एन अकेडमी कंडक्ट करवा रहा है इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अपकमिंग 2022 CUET एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपका या फिर आपके किसी नॉन वंस का टारगेट है CUET UG एंट्रेंस टेस्ट 2022 तो वो अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट को दे सकते हैं सो दैट वो पता लगा सके कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितनी उनकी प्रिपरेशन अभी तक हो गई है। अभी 22 अप्रैल 2022 को भी अन अकेडमी पे सेम फ्री मॉक टेस्ट है, बट इस वाले मॉक टेस्ट में जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे उस बच्चे को पूरी 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें अन अकेडमी पे जो कोर्स चल रहा है CUET की प्रिपरेशन के लिए फॉर ऑल द थ्री सेक्शन वो उन बच्चों को कंप्लीट फ्री मिल जाएगा या फिर कुछ और चीज़ें भी उनको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है, आप टेस्ट पे चले जाओगे, टेस्ट को इनरोल करना है। जहाँ पे भी आपको कोई रेफरल कोड की नीड हो तो आप मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कैसे शो होगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप CUET के टेस्ट पे पहुंच जाओगे, आपको बस यहाँ पे इनरोल पे क्लिक करना है। ये टेस्ट अपना 22 अप्रैल को मॉर्निंग में 10 AM पे है, तो इस टेस्ट को मिस मत करिएगा, अपने नॉन वन स्टूडेंट के साथ भी इस टेस्ट के बारे में शेयर करिएगा और मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 यूज़ करना मत भूलना। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पार्ट वन इस वीडियो का बनाया था उसमें मैंने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी क्विकली आप सबको बताए थे, जिससे हर साल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप CUET UG साइंस के स्टूडेंट हैं या PG के हैं, आपका गेट CSIR कोई भी एग्ज़ाम टारगेट है, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमेशा इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी मैं आपको कुछ आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ, तो उनका स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ में उन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अन अकेडमी पे भी इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेस ले रही हूँ। जैसा कि ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है टीचर की, इसका मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी दिया है, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। और मेरी ये जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं फॉर द CUET बायोलॉजी सब्जेक्ट एंड फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस गेट CSIR, तो आप मेरी रेगुलर इन क्लासेस को जब लाइव होती हैं तब देखेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, आप अपने डाउट ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। अभी मैंने देखो काफ़ी क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी कर ली हैं, ये सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा आगे की जो क्लासेस का शेड्यूल है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, 22 अप्रैल को मेरी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पे क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा। इस वाली क्लास का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अदर दूसरी क्लासेस जो हैं आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे, जिस टाइम मैं लाइव जाऊँगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप मेरे तुरंत लाइव क्लास में जुड़ जाओगे। तो ये सारी की सारी क्लासेस काफी के पास सारे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि कब मेरी कौन सी क्लास है। तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया है, 24 अप्रैल को लैक ओपेरॉन, 26 अप्रैल को इवोल्यूशन, रात के 9 से रात के 10 बजे तक 1 आवर की इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इससे पहले भी जितनी क्लास हो गई है सबका रिकॉर्डिंग एंड PDF मिल जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने से वॉच क्लास करके आप क्लास पे जा सकते हो, यहाँ पे PDF का ऑप्शन है, आप मेरी क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कोई भी क्लास को मिस मत करिए, सारी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे। CUET UG जिन बच्चों का टारगेट है बायोलॉजी सब्जेक्ट उन बच्चों को भी बताइए, और जिनका पोस्ट ग्रेजुएट गेट ICAR ICMR उन सब बच्चों को भी बताइए सो दैट वो लोग मेरी कोई भी क्लास को मिस ना करें। तो अपना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं रहता कि कौन सा अपने सीड का पार्ट अपने कौन से फ्रूट का कौन सा पार्ट बनाता है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी रैंक को बूस्टअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक सेफ साइड नहीं हो एग्जाम में तो ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको एक सेफ साइड में रख सकते हैं। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी वॉल से पेरिकार्प, इंटेगमेंट से सीड कोट, आउटर इंटेगमेंट से टेक्स्टा, इनर इंटेगमेंट से टेगमेंट, न्यूसिलस डिजनरेट हो जाता है, सिनर्जिड एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाते हैं, हाइलम ऑफ ओव्यूल हाइलम ऑफ सीड बनाता है, फिनिकल्स ऑफ ओव्यूल स्टॉक ऑफ सीड बनाते हैं, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल ऑफ सीड बनाते हैं, चेलेजा ऑफ ओव्यूल चेलेजा ऑफ सीड बनाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्लॉइडी वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स के अंदर काफ़ियों को यही नहीं पता होता स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट रखी हुई है मैंने, आपको ये पता रहना चाहिए किसको स्पोरोफाइट बोला जा रहा है किसको गैमेटोफाइट और किसका क्या प्लॉइडी लेवल है, ठीक है। तो इसका आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके और इसको पढ़ सकते हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर अगेन ये एक बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाते हैं उसकी यूजफुल एप्लीकेशन क्या है। जैसे BT कॉटन है वो एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, फ्लेवर सेवर टोमेटो वो एक शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है, क्योंकि हम नॉर्मल टोमेटो देखते हैं वो जल्दी राइपन होकर जल्दी सड़ गल जाते हैं, बट अपना जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। गोल्डन राइस में विटामिन ए और आयरन रिच कंपाउंड ज़्यादा मिलते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इससे क्वेश्चन आया था, एक दो दूसरे एग्जाम उनमें भी आया था कि गोल्डन राइस में क्या अमाउंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए विटामिन और आयरन इसमें सबसे ज़्यादा होता है।
फिर आता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमएससी एंट्रेंस गेट सीएसआईआर बार्क जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम है सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। सीयूईटी यूजी में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर जो मेन बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं वो ये होते हैं कि एलील का फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, कहाँ जीनोटाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, ये एलेलिक फॉर्मूला होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का। पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने अभी 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू अवॉइड माइनर मिस्टेक्स इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल थेरेपी था क्योंकि इससे आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अपने न्यूमेरिकल्स को सीख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, आप या तो डायरेक्ट वहां से देख सकते हो जो वीडियो है हार्डी वेनबर्ग की वो। और उसके अलावा फिर अपना प्लांट टिश्यू कल्चर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने बेसिक्स पे एक वीडियो बनाई थी। पहले तो वो बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट की एनाटॉमी एंड अपना प्लांट टिश्यू कल्चर जो मॉर्फोजेनेसिस कैसे प्लांट बनता है लेबोरेटरी वर्क से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। उसके एक दो लेक्चर और आएंगे मेरे जो कि और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग वो लेक्चर्स ना मिस करिएगा, वो भी देखना। और इससे पहले जो लेक्चर दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर का, काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि मेरी यूट्यूब की वीडियोस इंपॉर्टेंट प्लस में शॉर्ट जो कि क्विक आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं एक अच्छे तरीके से, इस तरीके से ही डिज़ाइन होती है। रेस्ट किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आई होप ये जो सीरीज़ है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। मेरी अनअकैडमी फ्री क्लास यूट्यूब फ्री क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में और अच्छे रंग लग सके। आपको मुझे अगर कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम अकाउंट स्टडी विद पूजा मित्तल, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो मेरा पेड कोर्स चल रहा है जिसपे अभी मैंने क्रैश कोर्स निकाला हुआ है बॉटनी लाइफ साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट डिटेल्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की दूसरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख के सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।